नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी देख रहे हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग। दोस्तों, वैक्सीनेटर सहायकों का जो धरना हो रहा है उसमें जो है आज फैसला आ सकता है, क्योंकि जो ज्ञापन सौंपा गया है उसकी जो है आज लास्ट जो है तारीख है आज जो है, इस पर हो सकती है सुनवाई। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए आप, तभी समझ में कुछ आएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी वैक्सीनेटर सहायक हैं, आप लोगों को मैं बता दूँ कि भारी तादाद में जो है 18 तारीख को जो है धरने में शामिल हुए थे, और जो वैक्सीनेटर सहायक नहीं पहुंच पाए उनको भी वहां पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे वैक्सीनेटर सहायक अपने काम की वजह से जो है नहीं पहुंच पाए। दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करूं और बुरी बातें बताऊं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही होता है कि सारे वैक्सीनेटर सहायक भाइयों को पल पल की अपडेट मिलती रहे कि वैक्सीनेटर सहायकों के साथ क्या हो रहा है। तो पूरी जानकारी आपको बताते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि जो है आप लोगों को अब क्या करना चाहिए और अगला धरना प्रदर्शन कब होगा। अगर मान जो है मान नहीं होगा, अगर बातें नहीं मानी जाएंगी तो अगला धरना प्रदर्शन कब होगा, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं लगातार जो है वैक्सीनेटर सहायकों से बात करता रहता हूं इस मैटर पर और जानकारियां इकट्ठा करता रहता हूं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको पूरी बातें। दोस्तों वैक्सीनेटर सहायकों ने उस दिन बहुत जो है वहां पर संघर्ष किया, और प्रशासन को आप ये समझ सकते हैं कि ज्ञापन दे करके लौट आए, लेकिन बहुत सारे वैक्सीनेटर वहाँ अगर और पहुँचे होते तो शायद कुछ अच्छा रिस्पांस तुरंत मिल जाता, लेकिन आज जो है कुछ अधिकारियों ने बताया है कि आज जो है उस पर जो है सुनवाई हो सकती है, और सीएम जो है उस पत्र को आज देख सकते हैं। तो देखना ये होगा कि सीएम जी हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी उस पत्र को देखते हैं और तो उस पर क्या जो है निर्णय लेते हैं वैक्सीनेटर सहायकों को सैलरी के लिए देने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी कुछ वैक्सीनेटर सहायक आज भी धरने पर हो सकता है कि पहुँच सकते हैं, क्योंकि सभी को अभी ये जानकारी नहीं है कि वहाँ पर धरना बंद हो गया है। कुछ लोगों को ये जानकारी है कि वहाँ पर धरना हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब जो है कुछ लोग और आज पहुँच सकते हैं, तो अब देखना ये होगा, जो भी अपडेट आती है वह मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में।